टांगरी नदी में दोस्तों संग नहाने आए युवक की डूबने से मौत होने का मामला सामने आया। टोडा गांव के नज़दीक में स्थित टांगरी नदी के पुल के नीचे युवक डूबा मिला। घटना की सूचना मिलने के बाद लोकल प्रशासन व एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 3 घंटे की लगभग सर्च अभियान के बाद एनडीआरएफ टीम को 15 गोताखोरों ने युवक को नदी से लाश के रूप में निकाल लिया। युवक की पहचान प्रवीण कुमार पुत्र रमेश कुमार उम्र 17 साल के लगभग हुई है। पंचकुला पुलिस के एसपी सुरेंद्र सिंह सहित एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर संजीव कुमार मौके पर मौजूद रहे। कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। कुछ दिन पहले ही प्रशासन द्वारा मानसून के चलते नदियों में उतरने तथा नहाने के लेकर के धारा 144 लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने आदेशों को अनदेखा कर नदियों में उतर रहे हैं। पलपल पंचकुला से तारा ठाकुर की खास रिपोर्ट। सर, एक युवक की डूबने के कारण डेथ हुई है, क्या सूचना पुलिस को मिली? थोड़ी देर देखिए, आज 4 लड़के थे नया गांव के रहने वाले, और इस ब्रिज से लगभग 1.5 किलोमीटर के दूर नया गांव से जैसे ही ये नदी में इंटर करते हैं तो खेलने के लिए या उसको नहाने के लिए, तो ये एक लड़का जिसका नाम प्रवीण है, जिसकी एज 18 साल है, ये सबसे आगे था, 3 लड़के इसके पीछे थे। जैसे ही यहाँ पे आए और ये किसी पानी का जो खड्डा है ब्रिज के नीचे, तो वहाँ पे आके इस ये डूब गया। 3 लड़कों ने कोशिश करी है निकालने के लिए। एक गौरव नाम का लड़का था छोटा, उसको तो निकाल लिया गया, इसका हाथ उनसे छूट गया, तो ये पानी की इसमें ब्रिज के नीचे जो गहराई थी, खड्डा था, उसमें चला गया। उसके तुरंत बाद इन्फॉर्मेशन मिलने पे एनडीआरएफ टीम को कॉल किया गया है और उन्होंने रेस्क्यू करके इसकी डेड बॉडी को निकाला है, और अब इसकी वेरिफिकेशन करने के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके अकॉर्डिंग एज पर लो कार्रवाई आगामी की जाएगी। डेड बॉडी को कहाँ भेजा गया? अभी भेज रहे हैं, हॉस्पिटलाइज किया है इसको, और देन डॉक्टर साहब की एडवाइज के उपरांत इसमें आगामी कार्रवाई जो भी है। कितनी बजे की बात है घटना? ये लगभग 2:15 बजे की बात है। शनाख्त किस रूप में हुई? क्या नाम है युवक का, कहाँ का रहने वाला है? लड़का इसका नाम है प्रवीण, इसके फादर का नाम है रमेश, नया गांव का रहने वाला है, लगभग 18 साल इसकी एज है, और ये मैंने जैसे कि बताया ब्रिज से इसे 1.5 किलोमीटर आगे तो नदी में ही ये अपना में घूमने के लिए या कोई कह लो आप खेलने के लिए उतरे थे। बाय द वे अचानक ये ऐसे हुआ, और इसे जैसे कि आपको पता है अभी पुलिस प्रशासन ने इसे पूर्व भी आपके माध्यम से भी और अनाउंसमेंट करके भी बरसात की वजह से और बरसाती सीजन को देखते हुए पार्क में बच्चों को दूर रखने के लिए एडवाइस किया, अपील किया है, और हमने अपनी पीसीआर और राइडर भी राइडर लोग इस चीज़ के लिए लगाई हुई है, बट आपके सामने है जो भी है, तो फिर भी मैं आपके माध्यम से फिर एडवाइस करूंगा भी अपने बच्चों को नदी में आने से रोका जाए ताकि कोई मिस हैपनिंग और आगामी कोई इंसिडेंट ना हो। सर, एनडीआरएफ की टीम के द्वारा डूबे हुए युवक का शव निकाला गया, किस तरह से है अभियान चलाया गया और कितने समय के लिए अभियान चला था? तकरीबन 1:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली हमारे कंट्रोल रूम से कि यहाँ मौली के पास टांगरी रिवर में एक 16-17 वर्ष का युवक पानी में डूब गया, तो उसके पश्चात हमें ऑपरेशन लॉन्च करने का आदेश मिला। 1540 बजे हमारी टीम रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर पिंजौर से निकली और 1642 बजे हम यहां पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया, और ये जो ड्रोन पर्सन है ये निकला है 1610 बजे, ये 1810 बजे ये निकल गया है, और इस पूरे सर्च ऑपरेशन के दौरान हमने डीप डाइविंग सर्च बोट द्वारा हावरिंग क्रिएट किए गए, लाइन सर्च मेथड, ये सभी सर्च मेथड अपनाए, जिसमें कि लास्ट में लाइन सर्च मेथड के थ्रू हमारे गोताखोरों ने डेड बॉडी को निकाल दिया। तो कितनी टीम थी जो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पहुँची थी? स्थानीय प्रशासन भी मौके में मौजूद था, कितने लोगों की टीम यहाँ पहुँची थी? हमारी टीम कुल 15 सदस्यीय टीम थी, और जिसमें कि लोकल पुलिस हमारे साथ बनी रही और लोकल गोताखोर भी हमारे साथ इस ऑपरेशन में शामिल रहे। तो क्या किसी तरह की कोई परेशानी टीम को आई हो पूरे ऑपरेशन के दौरान, या आसानी से युवक का सब ढूंढ लिया गया था? इस ऑपरेशन में पूरे प्रशासन का हमारे साथ सहयोग है, और खुद DC पंचकुला ने भी मेरे को फ़ोन किया था, हमारी यूनिट को भी फ़ोन किया था, और लगातार हमारे संपर्क में थे। तो सर, लोगों से क्या अपील करना चाहोगे, क्योंकि बरसाती नदियां हैं, कभी भी पानी आ जाता है, और लोग कहीं ना कहीं नदियों में बच्चे खेलने कूदने के लिए आ जाते हैं, या कोई लोग हैं जो घास के लिए आ जाते हैं, तो क्या अपील आप लोग करना चाहोगे? जैसे कि अभी मानसून सीजन शुरू होने वाला है,
और हर साल हमें पता है कि कौन कौन से हमारे बाढ़ क्षेत्र के एरिया पड़ते हैं और कौन कौन सी नदियों में कितना पानी आता है। तो इसलिए मेरी तो सबसे यही अपील है कि अभी ये मानसून सीजन है, ऊपर से पानी आना भी शुरू हो गया है, तो अपने बच्चों को समझाएं और पानी के अंदर जाने से रोकें, अगर जाते भी हैं तो पूरा उनको सेफ्टी के साथ, लाइफ सेविंग जैकेट के साथ या बोतल के राफ्ट के साथ ही भेजें, नहीं तो अवॉइड ही करें, क्योंकि ये नहीं पता है कि कब कितना पानी आ जाएगा।